जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिहड़ी यात्रा पिंड भवद्दी ते इलाके दी संगतां नूं नाल लै के जो लगातार 13 सालां तों गुरु घरां दर्शन करवा रही है, इस बार भी 13वें साल के चौथे महीने के गुरु घरां दर्शन करवाउण जा रहे हैं जी, जो कि संगरूर जिला ते मानसा जिले के गुरु घरां दर्शन करवावांगे। इस बार दूजे गुरु घर दे संगरूर जिले के गुरुद्वारे अकोई साहब के पिंड भी अकोई साहब के दर्शन करवा रहे हैं। इस स्थान पर 4 गुरु साहबाना के चरण छोह प्राप्त है। इस स्थान पर श्री गुरु नानक देव महाराज जी, श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की चरण छोह प्राप्त है जी। इस स्थान पर जदों श्री गुरु नानक देव महाराज जी सं 1561 बिक्रमी 1508 ईस्वी में इस स्थान पर पधारे, तो इस थां ते जंगल बहुत भारी जंगल थी, तो 2-3 घर ही सन। जदों श्री गुरु नानक देव महाराज इस स्थान पर आके संगतां नूं पुछिया कि इस पिंड का नाम की है, तो संगतां ने कहा कि इस पिंड का नाम कोई नहीं है जी। तो श्री गुरु नानक देव महाराज ने वचन किए कि इस स्थान पर अज तो इसका नाम कोई पवेगा, तो इस थान पर किसी समय एक बड़ी सारी धर्मशाला बनेगी जिथे आके दुनिया भर तो आके मत्था टेकया करनगियां। तो उस तो बाद इस पिंड का नाम अकोई साहब से गुरुद्वारे का नाम भी अकोई साहब पै गया। उस तो बाद दूसरे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद महाराज साहबान जी उस समय इस स्थान पर पधारे जदों श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने नानक मत एक सुके हुआ पिपल हरा भरा किया, जो सिद्ध महाराज जी तो हार मन के चले गए सन। तो उन्होंने पोते पड़ोत्या ने अपने बजुर्गों का बदला लैन लिये भरोटा जिहड़ा श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने सुके हुआ हरा किया, अग ला दिती सी। जदों इस गल का पता जो उस समय बाबा गुरदत्ता जी के सेवक अल मास्टर राम बाबा जी ने पता लग्या, वो सेवादार सन, तो उन्होंने उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो वो सिद्धा ने उन्होंने कुट मार के भजा दिता, मरिया हुआ सिट के चले गए, पर वह महाराज की कृपा ना बच गया। तो नाल ही नलकमे तो 5-7 किलोमीटर से गुरद्वारा किला साहब है, जिथे बाबा अरमस्त ने एक भरोटे के खोखल के बैठ के श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी को अरदास बेनती की। उस टाइम श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी अमृतसर साहब विखे पधारे हुए सन, तो वो आवाज़ श्री गुरु नानक देव महाराज श्री गुरु हरगोबिंद महाराज ने जो सुनी, तो महाराज उस टाइम अमृतसर साहब न तो चाले पा के नानक मते नूं चल पाए। रास्ते दे विच इस स्थान पर आके ठहरे, तो इस स्थान पर उस जिस स्थान महाराज ने आपका घोड़ा बन्निया सी करीब एक सुके किले ना, अज हरा भरा क्रीरा दरख्त बन गया जी, थोनू दर्शन करवावे। जो तो पिंड दीआं संगतां नूं श्री गुरु हरगोबिंद महाराज इस स्थान पर आने का पता लग्या, तो पिंड वालियां ने दुध ते होर बहुत ज़्यादा सेवा की, तो महाराज ने वचन किया कि थोड़ी ये सेवा तो खुश हो गए, इस स्थान पर जो भी आके मत्था टेकेगा दुध वालियां नूं दुध की घाट नहीं रहेगी, पुत्र वालियां नूं पुत्र की घाट नहीं रहेगी। तो इस तों बाद श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी इस स्थान पर पधारे, जदों श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी आनंदपुर साहब तो साहब तो सबक तलमंडी में जा रहे सन, तो मालवेरी यात्रा करते हुए गुरद्वारा पटियाला दुखनवान तो आलोवार तो भवानीगढ़ तो होंगे इस गुरद्वारा नानकियाँ साहब तो होंगे इस स्थान पर पहुँचे। इस उस समय समत 1673 के बिक्रमी 1661 ईस्वी में इस स्थान पर पधारे सन। तो इस तों बाद श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी सबक तलवंडी में चले गए। तो चौथे गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जदों आनंदपुर साहब छड़न तो बाद चमकौर की लड़ाई लड़न तो बाद होंदे हुए आपदा मुक्तसर साहब नूं जा रहे सन, जदों उन्होंने पता लग्या कि उन्होंने सेवक जो मालोवाल रहिंदे सन उन्होंने मुगलों ने मारन की धमकी दित्ती है लभ रहे सन, उस टाइम वो आपदा आलमगीर तो अगे पिंड लंबे जटपुरा तो किसी सेवक नाल लै के इस स्थान पर पुजे सन। इस करके एरिया इन्हों महाराज के रूट में नहीं सी आता, सिर्फ उस आपके सेवक की मदद करने वास्ते ही मल्लोवाल तो इस पिंड आए सन। से इस तो अगे श्री गुरु गोबिंद सिंह द्वारा उसे ही मुक्तसर साहब में चले गए। इस पिंड का इतिहास है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।